नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे किशोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं अथवा पैन कार्ड करेक्शन के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका पैन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस को या करेक्शन स्टेटस को कैसे चेक कर पाएंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसीलिए आपका मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र को आप ओपन कीजिए। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर को यूज कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद सर्च बार में आप टाइप कीजिए पान स्टेटस, देन सर्च कीजिए। देन देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया है, एक है NSDL.com और एक है UTI ITSL। यदि आपका पैन कार्ड NSDL कंपनी का है तो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यदि आपका पैन कार्ड UTI कंपनी का है तो आप UTI ऑप्शन को चूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मैं NSDL ऑप्शन को चूज़ किया। देन यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है एप्लीकेशन टाइप, यहाँ पे हम पान न्यू चेंज रिक्वेस्ट इस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। देन नीचे है एक्नोलेजमेंट नंबर, यहाँ पे हमारा एक्नोलेजमेंट नंबर को फिल करेंगे। जिस टाइम में हम करेक्शन के लिए अप्लाई किए हैं या न्यू अप्लाई किए हैं उस समय एक एक्नोलेजमेंट स्लिप निकल के आया होगा। इस एक्नोलेजमेंट स्लिप में एक एक्नोलेजमेंट नंबर रहता है, इसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। देन नीचे है कैप्चा कोड, कैप्चा को भी यहाँ पे फिल कर देंगे। देन सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन स्टेटस या करेक्शन स्टेटस शो करेगा। देखिए यहाँ पे मेरा अंडर प्रोसेस एट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे लिख के शो कर रहा है और कुछ दिन मुझे वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप किसी का भी एप्लीकेशन स्टेटस को या करेक्शन स्टेटस को अपनी मोबाइल से चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।